Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So guys, here comes another haul video. और इस बार मैं लेके आई हूँ festive wear कुर्ता sets. जैसे आपको पता है festive season चल रहा है, एक महीने के लिए काफ़ी अच्छे खासे festivals हैं. दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, इतने सारे festivals हैं तो हमें क्या चाहिए होते हैं? कुर्ता sets. Yes. कुर्ती और पैंट का जो सेट होता है ना विदाउट दुपट्टा इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में ना पूजा करनी होती है और मतलब एक दुपट्टा तो चाहिए होता है. तो मैं लेके आई हूँ दो फेस्टिव कुर्ता सेट जो कि आप बहुत आराम से दिवाली, दशहरा, भाईदूज कभी भी पहन सकते हो. बहुत ही लाइट वेट है, सिंपल, सोबर, क्लासी, एलिगेंट एज वेल एज द मटेरियल इज वेरी रिच. तो अपने आप में जो कुर्ता सेट है ना बहुत ही अच्छा फेस्टिव वियर है. आराम से फेस्टिवल इंजॉय कर सकते हो पहन के, कंफर्टेबल भी है और आप बहुत अच्छे लगोगे. ठीक है, तो मैंने परचेज़ करे अमेजोन से दो कुर्ता सेट, साथ में मैंने ज्वेलरी भी परचेज करी है, ईयर रिंग्स परचेज करे हैं, बैंगल्स परचेज करी है. तो फटाफट से स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ सारे प्रोडक्ट्स और इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज वेल एज मैं कमेंट बॉक्स पर भी मैंशन कर दूंगी. सो डोंट यू वरी. सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले कुर्ता से. ठीक है, तो पहले आप पीस देखो ये, उसके बाद मैं अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी. सामने से ये कुर्ता जो है वो इस तरीके से है, एम्ब्रॉयडरी पूरे कुर्ते पे एम्ब्रॉयडरी आगे की तरफ, पीछे से एकदम प्लेन है. 3-4 स्लीव्स है और स्लीव्स पे भी ये बॉर्डर लगा हुआ है. ये कुर्ता सेट है फ्रॉम द ब्रांड इंडो एरा, प्राइस मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. और इस कुर्ता सेट में ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हो. मैंने एक टील कलर परचेज़ किया क्योंकि ना मेरे पास इस कलर का कोई कुर्ता सेट था नहीं, ना तो ये ग्रीन में आता, ना ब्लू में आता, ना ब्लैक में आता, तो मुझे इस तरीके का कुर्ता सेट चाहिए था जो मैं आराम से फेस्टिवल्स में पहन सकूँ. ब्लू ब्लैक का कोई चक्कर ना हो तो आप आराम से इसको फेस्टिवल में पहन सकते हो. बहुत सुंदर सा कुर्ता सेट है और आप सामने से अपने ये कुर्ता देखा, इसका जो मटेरियल है दैट इज़ सिल्क ब्लेंड, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है. तो ये है इसका कुर्ता और जो इसकी पैंट है ना बिल्कुल प्लेन है, मटेरियल है शैंटोन और ये इस तरीके से है, बिल्कुल प्लेन है. लेकिन जो दुपट्टा है इस कुर्ता सेट का वो बहुत हैवी है. हैवी मतलब कि दिखने में बहुत हैवी है, वैसे बहुत लाइट वेट है. और आप ये देखो, सी जो सीधा दुपट्टा, पूरे दुपट्टे पे काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है और लास्ट में ना ये लेस लगी हुई है. ये देखो लास्ट में ये बॉर्डर लगी हुई है. इस जो कुर्ता कुर्ते में जो बॉर्डर थी ना वही इस पूरे दुपट्टे में बॉर्डर है. और ये इतना हैवी जो है वो दुपट्टा है. दुपट्टा जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप इसको सर पे लेना है या आपको साइड में जैसे भी आपको कैरी करना है ना आप कर सकते हो, नो इशूज. दुपट्टे की लेंथ में ना बिल्कुल भी मतलब कम नहीं है, पूरी जो लेंथ होती है ना दुपट्टे की वो है. तो आप कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हो. आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओवरऑल लुक कितनी अच्छी आ रही है, कितना हैवी और कितना रिच पूरा कुर्ता सेट लग रहा है ना. और ये जैसे मैंने मंगवाया था स्मॉल साइज़, तो मैंने कुर्ते को एज वेल एज़ मैंने पैंट को ऑल्टर कराया, तो अब आप देख लेना क्योंकि मैंने दोनों को ऑल्टर करवाया था. काफ़ी लूज था स्मॉल साइज़ मेरे लिए. एंड बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप इसको डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग. जैसे मैंने आपको बोला कलर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, कलर्स काफ़ी सारे हैं, अपने हिसाब से आप परचेज कर लो. एज वेल एज अमेजोन पे अभी इस वक्त चल रही है सेल, तो क्या पता आपको ये बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाए, है ना. और मटेरियल की बात करूँ तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है, आप आराम से पहन के पूरा फेस्टिवल इंजॉय कर सकते हो, नो इशू. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कुर्ती, और ये है फ्रॉम द ब्रांड लिबास. और पहले आप इसका ना कुर्ते का पूरा पैटर्न देखो, और आगे से ये प्रिंटेड पैटर्न है और पीछे की तरफ से ये बिल्कुल प्लेन है. स्लीव्स आपको मिल जाएंगी 3/4 और 3/4 स्लीव्स पे यहाँ पे एंड में ये बॉर्डर पे बॉर्डर लगा हुआ है. ठीक है, तो अब मैं बात करूँ ये जो मटेरियल है दैट इज़ सिल्क ब्लेंड, और मटेरियल बहुत अच्छा है इसका. और इसके साथ जो पैंट है वो भी पर्पल कलर में है, बिल्कुल प्लेन है. दोनों तरफ आपको इलास्टिक मिल जाएंगी, तो ये बिल्कुल प्लेन है. एज वेल एज आपको पैंट में दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, दोनों तरफ एक एक पॉकेट है, तो ये भी अच्छी चीज़ है. और साथ में अब दिखाती हूँ मैं आपको दुपट्टा. इसका जो दुपट्टा है ना वो ऐसे है, ये जो राजस्थानी बंदेज वर्क जो होता है ना, बंदेज बंदनी जो दुपट्टा होता है ये वो है. और
दुपट्टे के ना लास्ट में जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है कुर्ते का, और साथ में ये टैसल्स हैं, ठीक है। चारों तरफ आपको टैसल्स मिल जाएंगी, और ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा दुपट्टा है। दुपट्टे की लेंथ में कोई भी मतलब कमी नहीं करी है, अच्छे खासा है, काफ़ी सारा दुपट्टा, काफ़ी बड़ा दुपट्टा है। आप सर पे रखना चाहो, साइड में करना है कैरी, कैसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बात करूँ मटेरियल की, मटेरियल है सिल्क ब्लेंड, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, एज वेल एज पहनने के बाद ना एक बहुत ही रिच और अच्छी सिंपल येट क्लासी एलिगेंट कुर्ता सेट है ये। मतलब इस कुछ होते हैं, मुझे एक्चुअली सबकी अलग अलग चॉइस, सबके अलग प्रेफरेंस होती है। मुझे जो ये हैवी वर्क वाले दुपट्टा कुर्ता सेट्स होते हैं ना, बेसिकली मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। थोड़े टाइम के लिए पहनने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फेस्टिवल में पूरा दिन पहनना पड़े ना वो कुर्ता सेट, तो बहुत आपको अनकम्फर्टेबल लगता है, एज वेल एज मतलब आप फेस्टिवल इंजॉय भी नहीं कर पाते। तो फेस्टिवल में हमें कुछ ऐसे कुर्ता सेट चाहिए होते हैं जो कम्फर्टेबल भी हों और अच्छे भी लगे, मतलब पहनने के बाद ऐसा ना लगे कि हमने कुछ हल्का पहन रखा है, हैवी भी लगे और साथ में कंफर्टेबल भी हो, तो आप पूरा दिन आराम से पहन सकते हो। एज वेल एज ये जो कपड़े होते हैं ना जो कंफर्टेबल होते हैं, उनको आप कहीं पे भी पहन सकते हो और काफ़ी बार रिपीट होते हैं। वेयर एज जो हैवी कुर्ता सेट्स होते हैं ना, आप मतलब आप सोचो कि कोई फंक्शन आए तब मैं उस कुर्ता सेट को पहनूं, तो वो मैं प्रेफर नहीं करती। तो ये जो दोनों कुर्ता सेट है ना, मैंने अपने हिसाब से लिए ताकि मैं इनको आराम से रिपीट भी कर सकूं, एज वेल एज कंफर्टेबल भी हूँ, लाइट भी हूँ। आप हल्के फुल्के फंक्शन में पहन सकते हो, आप फेस्टिवल्स में पहन सकते हो, आप कहीं भी पहन सकते हो। तो ये जो दोनों कुर्ता सेट है ना, मेरी तरफ से बिल्कुल मैं कहूँगी आप परचेज कर सकते हो एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग, ठीक है। तो ये मैंने परचेज करे थे कुर्ता सेट्स, और साथ में मैंने परचेज करी है इयर रिंग्स एज वेल एज बैंगल्स। इन दोनों कुर्ता सेट्स के साथ मैंने टीम अप करने के लिए एक एक इयर रिंग्स परचेज करी है, तो आई विल शो यू दैट। दीज आर द इयर रिंग्स एंड दिस इज द बैंगल। जो इयर रिंग्स हैं वो मैंने परचेज करी है फ्रॉम द ब्रांड आई ज्वेल्स, और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जो स्क्रीन पे जब मैंने परचेज किया था, मुझे लगा मीडियम लेंथ होगी, मीडियम होगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इयररिंग्स है, और वो ऐसी इयररिंग है ताकि मतलब आप सिर्फ इयररिंग्स पहन लो ना तो आपको कुछ भी गले में पहनने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। मतलब वो एक ओवरऑल मतलब पूरा आपका कंप्लीट कर देगी लुक आपको, उसको पहनने के बाद कुछ भी आपको ना तो गले में कुछ डालना, कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली इयररिंग्स। तो ये है फ्रॉम द ब्रांड आई ज्वेल्स। ये वाली जो इयररिंग्स है ना, ये लाइक वाकई में बहुत बड़ी है। मैंने पहना था, मैंने इसको पर्पल वाले कुर्ता सेट के साथ, जो लिबास वाला कुर्ता सेट है उसके साथ मैंने इसको टीम अप किया था, और आप देख सकते हो लाइक मेरा बिल्कुल पूरा मतलब यहाँ तक है, एज वेल एज थोड़े से हैवी हैं, ये मैं बोलूँगी थोड़े से हैवी हैं। तो अगर आपको पूरा दिन पहनना है तो आप थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, तो एक दो घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन आप इन इयररिंग्स को कैरी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े से हैवी हैं। बाकी इसमें लाइक आपको कुछ भी इसमें ना गोल्ड प्लेटेड ट्रेडिशनल इयररिंग्स हैं, कुंदन और पर्ल वर्क है, एज वेल एज ये जो पर्ल है ना यहाँ पे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, कलर्स बहुत सारे हैं लाइक पिंक, ब्लू, वाइट, आपको जो पसंद है आप परचेज कर सकते हो। मैंने ऐसे इयररिंग्स परचेज करे जो मैं हर आउटफिट के साथ सबके साथ मतलब डाल सकूं, तो आप ये देख सकते हो ये इस तरीके से हैं, देखिए वैसे कोई इसमें नहीं है, मतलब ज़रा सा भी नहीं है, बिल्कुल जैसा मैंने ऑर्डर किया था बिल्कुल वैसे ही आया है, एक भी कुंदन निकला हुआ नहीं है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। आई विल रेट दिस 9 out of 10, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फेस्टिवल के लिए आपके पास होने चाहिए कुछ ऐसे इयररिंग्स जो आप कुर्ता सेट के साथ डालो और वो पूरी लुक को कंप्लीट कर दे, सो अच्छा पीस है ये। दिखाती हूँ मैं आपको सेकेंड इयररिंग्स जो मैंने परचेज करी हैं, और ये जो है ना बिल्कुल ठीक है, मतलब लेंथ एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि एज वेल एज ये बहुत लाइट वेट है। यस गाइस, जैसे वो वाली इयररिंग्स बहुत हैवी थी ना, ये वाली उतनी ही लाइट वेट है, तो अगर आपको पूरा दिन पहनना है तो आप आराम से पहन सकते हो, एज वेल एज लग भी बहुत अच्छी रही है। लेंथ एकदम ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, और आप इसके साथ ना हल्का फुल्का कोई पर्ल्स नेकलेस भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और इसमें भी बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस थे, जैसे इसमें वाइट है ना नीचे पर्ल्स, ऐसे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, तो जो आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हो। ये बेसिकली है कुंदन पर्ल, जो चंद बाली वाली इयररिंग्स होती है ना, ये वो है उसमें है। और इसको मैंने पहना था टील वाले जो ग्रीन कलर का, जो डार्क ग्रीन कलर का जो कुर्ता सेट है उसके साथ पहना था, तो अच्छा जा रहा था। एंड गाइस लास्टली आई परचेज्ड
बैंगल सेट गेस। मैं काफ़ी टाइम से मैंने अमेजोन पे देख रही थी, मतलब बहुत ये ना जो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स होते हैं या कड़ा कह लो आप, काफ़ी डिज़ाइंस में अवेलेबल थे और ये है फ्रॉम द ब्रांड योर बेला। सो आई परचेज दिस वन और जो मेरा साइज है वो है 2-6, बहुत लाइट वेट है। मैं ये कहूँगी अगर आप जैसे अनमैरिड हो या कॉलेज गोइंग हो या फिर मतलब जैसे होता है ना यंग गर्ल्स, तो कुर्तीज़ के साथ डालने के लिए एकदम परफेक्ट है। एज़ वेल एज़ अगर आप बैंगल्स का कोई सेट बना रहे हो तो चूड़ियों के बीच में भी आप एक एक कड़ा लगा सकते हो या आगे की तरफ लगा सकते हो, तो बहुत सुंदर लगेगा। इसको पहन के आप आराम से काम कर सकते हो, कुछ भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब ना अनकम्फर्टेबल सा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही मतलब आप आराम से इसको पहन सकते हो एंड फेस्टिवल इंजॉय करो, और क्या चाहिए, इतने सुंदर लगोगे ना सीरियसली। एज वेल एज योर बेला के बैंगल सेट जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं एंड आई एम श्योर मतलब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारे के करके सेट्स दिखाऊंगी, बट ये वाला जो था ना बहुत ही मतलब ये वाला जो था बेस्ट सेलर था और काफ़ी जल्दी स्टॉक जो है वो आउट हो जाता है, तो मैंने फटाफट से 2-6 वाला साइज़ ऑर्डर कर लिया एंड यस आई एम हैप्पी। ठीक है, सो गाइस यही सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगवाए अमेज़ॉन से, और अभी इस वक्त चल रही है अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी सेल, अभी इस वक्त चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एज वेल एज अभी बहुत सारी सेल अमेज़ॉन पे, वैसे भी सेल चलती रहती है और ये वाला जो मंथ होता है ना फेस्टिव वाला, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आपको हर चीज़ों पे। तो देरी किस बात की, आप इन सब प्रोडक्ट्स को ना परचेज कर सकते हो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और अगर आपको लगता है कि प्राइस हाई है तो अपनी विश लिस्ट में डाल के रख लो, और कभी भी आपको लगता है कि प्राइस ड्रॉप हुए हैं या आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो यू कैन जस्ट ग्रैब इट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मेंशन ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधा लिंक पे क्लिक करो और वहाँ से आप अमेजॉन पेज पे चले जाओगे और वहाँ से आप परचेज कर लो। सो गाइज दैट्स इट, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do share and do subscribe to my channel. Thank you so so much for watching this video. I will see you very very soon in my next video. Till then, bye bye.